नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गुजरात के सूरत हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने सड़क किनारे सो रहे 18 लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले थे ये सारे मजदूर। राजस्थान और गुजरात के सीएम ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। गुजरात के शहर सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है। सूरत के पिपलौत गांव में एक ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। मरने वालों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गन्ने से भरा ट्रक बेहद तेज रफ्तार होने की वजह से बेकाबू हो गया और फिर क्या था, सड़क किनारे सो रहे लोगों के लिए काल बन गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार हुए लोग मजदूरी करते थे और सभी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और इस घटना पर पीएम मोदी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने दुख जताया है। राजस्थान और गुजरात के सीएम ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। तो बेहद ही दुखद ये हादसा, जिस तरीके से 18 लोग सो रहे थे, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि आज सो रहे हैं तो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है इस पूरे हादसे पर। विजय रूपाणी ने भी दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है और अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ने भी मुआवजे का ऐलान किया है और उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। अनियंत्रित ट्रक जो कि गन्ने से भरा था, अनियंत्रित हो गया बेकाबू में और इस तरीके से 18 लोग सो रहे थे सड़क पर, कुछ लोगों को रौंद दिया है इस ट्रक ने। 18 लोगों की बताई जा रही कि इसमें से 15 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर हैं। तो राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले थे ये सारे मजदूर, मजदूरी के लिए गुजरात में रह रहे थे और अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस ट्रक ने इनकी जिंदगी ले ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।